गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू इंग्लिश क्लास। हाउ आर यू ऑल? फाइन, वेरी गुड। ओके चिल्ड्रन, वी वर डूइंग एक्सरसाइज ऑफ लेसन 7। वी हैव कंप्लीटेड इट क्वेश्चन आंसर्स। हमने सारे क्वेश्चन आंसर्स वी हैव कंप्लीटेड एंड वी हैव स्टार्टेड आवर बुक एक्सरसाइज। हमने बुक एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी है। सो टुडे वी विल कंप्लीट इट बुक एक्सरसाइज। टुडे आज हम अपना ये सारा लेसन कंप्लीट कर लेंगे। वैसे तो चिल्ड्रन आज ग्रामर पीरियड है, टुडे इज थर्सडे, बट हमें ये लेसन कंप्लीट करना है। टुमारो वी विल डू आवर ग्रामर, सो टुडे वी विल कंप्लीट दिस लेसन। सो कम टू पेज नंबर 60। नाउ चिल्ड्रन, अब आपको वर्ब पता है। फॉर एग्जाम्पल, वॉक, रन, स्लीप, ईट, स्टैंड, वॉच, सिट, मतलब जिनसे भी हमें वर्ड से पता चले कि कोई काम हो रहा है वो क्या होते हैं? वर्ड। ठीक है, अब आप मेरे को सुन रहे हो, देख रहे हो, ये भी काम कर रहे हो, दिस इज आल्सो वर्ड। यू आर वॉचिंग मी, यू आर लिसनिंग मी, यू आर सिटिंग, यू आर स्टैंडिंग, यू आर ड्रिंकिंग, ईटिंग, स्लीपिंग, कुछ भी हो जो आप काम कर रहे हो, तो जिन वर्ड से हमें ये पता चले काम हो रहा है, दैट आर वर्ब। अब काम कैसा हो रहा है, दैट इज एडवर्ब। फॉर एग्जाम्पल, she is sleeping there. अब वो कहां सो रही है? There. Now, she is sleeping at night. And now, she is sleeping soundly. नाउ सी चिल्ड्रन, देयर नाइट साउंड। अब वो कैसी सो रही है? बहुत गहरी नींद में। तो ये हो जाएगा एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर। ओके चिल्ड्रन, एडवर्ब ऑफ मैनर। अब वो कहां सो रही है? देयर। नहीं कहा था ना, शी इज स्लीपिंग देयर। वो कहां सो रही है? देयर। तो ये कहां, जब हम कहां बोलते हैं तो इसको मतलब प्लेस बोल रहे हैं, तो एडवर्ब ऑफ प्लेस। और कब सो रही है? रात में, नाइट में सो रही है, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम। इसको आप ऐसे भी कह सकते हो, येस्टरडे शी वॉज स्लीपिंग, शी वॉज स्लीपिंग येस्टरडे। अब येस्टरडे भी किस में आता है? येस्टरडे, टुडे, टुमारो, नाउ, देन। सो दीज आर एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम। तो थ्री टाइप ऑफ एडवर्ब होते हैं चिल्ड्रन। कितने होते हैं? थ्री, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम एंड एडवर्ब ऑफ मैनर। कोई कैसा कर रहा है, दैट इज एडवर्ब ऑफ मैनर। कहां कर रहा है, अगर हमें जगह दी होती है, देयर, हियर, एनीवेयर, अब जगह बोल रहे हैं वेयर, तो एडवर्ब ऑफ प्लेस। टुडे, टुमारो, देन, नाउ, सिंस, तो ये क्या हो जाएगा? एडवर्ब ऑफ टाइम। ओके चिल्ड्रन, नॉट थ्री एडवर्ब। अब नीचे जो हमें एक्सरसाइज दी हुई है उसमें आपको ये करना है कि जो भी इन तीनों में से एडवर्ब है हमें वो लिखना है। अब आपको क्या करना है, अगर एडवर्ब ऑफ मैनर दिया हुआ है तो आपको लिखना है एएम, अगर आपको एडवर्ब ऑफ टाइम दिया हुआ है तो आपको लिखना है एपी, एंड इफ एडवर्ब ऑफ प्लेस इज गिवन यू हैव टू राइट एपी, लाइक। ओके चिल्ड्रन, अब हम एक्सरसाइज करेंगे तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। नाउ सी चिल्ड्रन, फर्स्ट इज रीटा सैंग स्वीटली। अब ना देखो इसमें हमें टाइम दिया हुआ है,
ना हमें प्लेस दी, ना हमें बताए रीटा कैसा गाती है, बहुत मीठा, तो हमें एडवर्ब ऑफ मैनर दिए, सो यू विल राइट ए एम. सेकेंड इज राजू विल गो फॉर हिज वॉयलिन क्लास टुमोरो. अब हमें टाइम दे दिया कि वो कब जाएगा, टुमोरो कल जाएगा, तो एडवर्ब ऑफ टाइम. थर्ड इज नीता फेल्ट द कूल ब्रीज ब्लो सॉफ्टली ऑन हर फेस. सॉफ्टली, इसमें चिल्ड्रन मोस्ट ऑफ दी आप एडवर्ब्स में देखोगे लास्ट में एल वाई आता है फर्स्ट थिंग. सेकेंड अब सॉफ्टली, सॉफ्टली ना तो टाइम है ना प्लेस है, ये मैनर है, कैसा फील हो रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है, तो एडवर्ब ऑफ मैनर ए एम. फोर्थ इज इट इज रेनिंग लेट अस गो इनसाइड. अब कहाँ जाए, इनसाइड, प्लेस बता रहे हैं ये हमें, सो एडवर्ब ऑफ प्लेस. नाउ डॉली डांस ग्रेसफुली, ग्रेसफुली मतलब बहुत अच्छे से, तो ग्रेसफुली हो गया, ना टाइम है ना प्लेस है, एडवर्ब ऑफ मैनर. Now she has traveled everywhere, everywhere. जगह बता रहे हैं वो हर जगह ट्रेवल कर चुके हैं, तो एडवर्ब ऑफ प्लेस. सेवंथ इज द ओल्ड मैन वॉज वॉकिंग स्लोली, कैसा चल रहा था, धीरे, एडवर्ब ऑफ मैनर. द किटल्स आर प्लेइंग देयर, देयर लिखा है, जगह बताई है, तो एडवर्ब ऑफ प्लेस. एंड एट दिस एक्सरसाइज इज कंप्लीट. नाउ कम टू पेज नंबर 61. पेज 61 पे चिल्ड्रन हमें इन्होंने टू वर्ड्स दिए हैं, एडवर्ब्स दिए हुए हैं, उनमें से हमें करेक्ट एडवर्ब लिखना है. ओके चिल्ड्रन, सो बेबी राइट, शी फिनिश हर डेज वर्क एंड वॉज एग्जॉस्टेड. एग्जॉस्टेड मतलब बिल्कुल थक गई थी, पूरे दिन का काम करके वो रात को, अब हम क्या कहते हैं, बिल्कुल थक गई थी, राइट. तो अलॉट या टोटली, टोटली मतलब बिल्कुल थक गई थी, अभी मैंने आपको इतनी बताई, अलॉट नहीं होता चिल्ड्रन, अलॉट मतलब बहुत थक गई थी, नहीं तो वो बिल्कुल थक गई थी, टोटली. ये हमारी है एक्सरसाइज बी, एक्सरसाइज बी का वन इट विल कम टोटली. सेकेंड इज लता मंगेशकर इजंट जस्ट अ गुड सिंगर, वो केवल गुड सिंगर नहीं है, शी इज फैंटास्टिक, वो फैंटास्टिक भी, अब आएगा वेरी वेरी फैंटास्टिक, कभी नहीं होता चिल्ड्रन, इज एब्सोल्यूटली फैंटास्टिक. थर्ड इज द ताजमहल एट आगरा इज स्टनिंग, गजब का है, तो डेफिनेटली तो नहीं होता था कि हाँ वही सही है, टू सही, बहुत देखने लायक, तो टू आएगा. नाउ फोर्थ इज द अजंता केव्स इन महाराष्ट्र इज इंटरेस्टिंग, ऑलमोस्ट तो होता है कि हाँ वहां तक इंटरेस्टिंग है, ऑलमोस्ट होता है, बिल्कुल तो नहीं कह सकते हम, थोड़ा ही थोड़े से ज्यादा, हाँ हाँ कुछ हद तक, तो कुछ हद तक इंटरेस्टिंग नहीं है, वो बहुत इंटरेस्टिंग है, तो हम ऐसे ले सकते क्वाइट इंटरेस्टिंग. नाउ फिफ्थ इज दैट टीनेजर इन द ग्रुप इज लेजी, इनफ लेजी नहीं होता है, इनफ इलेजी, इनफ मतलब बहुत, उसका हम लिखेंगे एक्सट्रीमली, बहुत लेजी है.
इनफ होता है, हाँ हो गया, बस बहुत हो गया। Now sixth, it was dash freezing this morning. आज सुबह बहुत ज्यादा जमने वाली बर्फ थी, जमने वाली ठंड थी, तो it was very freezing this morning. बहुत फ्रीजिंग था। Seventh is Riya, in my opinion, is talented. मेरे ओपिनियन में रिया बहुत टैलेंटेड है, बहुत कहते हैं तो हम एक्सट्रीमली कहेंगे। Eighth is Mrs. Sen, our class teacher is, वो सच में अच्छी है, is really nice. Now come to page number 62. Page number 62. Page 62 में हमें चिल्ड्रन जो दो सेंटेंसेस को जोड़कर एक सेंटेंस बना दे उन्हें हम क्या कहते हैं, कंजंक्शंस। क्या कहते हैं, कंजंक्शंस। फॉर एग्जांपल आप कह रहे हो कि मैं मम्मी आई एम गोइंग फॉर प्ले, मम्मी आई और आई विल गो टू प्ले, मैं खेलने जाऊंगा। फिर आप कह रहे हो कि माय फ्रेंड विल गो टू प्ले, मेरा फ्रेंड भी खेलने जाएगा। या आप ऐसे कह सकते हो राजीव विल गो टू प्ले एंड संजीव विल गो टू प्ले। अब दो सेंटेंस है, राजीव विल गो टू प्ले एंड संजीव विल गो टू प्ले। आप इसका एक सेंटेंस बना सकते हो, राजीव एंड संजीव विल गो टू प्ले। आपने क्या लगा दिया, एंड, राइट चिल्ड्रन। आपने दो सेंटेंसेस को एक में जोड़ दिया, तो जो वर्ड दो सेंटेंसेस को एक में जोड़ दे उन्हें हम कंजंक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल और, सो, इफ, बट, बिकॉज, एंड, ये सारे वर्ड क्या है, कंजंक्शन। क्या है, कंजंक्शन, जो दो सेंटेंसेस को एक में करते हैं। अब इधर चिल्ड्रन, हियर यू हैव टू राइट ओनली टू कंजंक्शन। इधर आपके पास दो दे रखे हैं, इफ एंड बिकॉज, अदरवाइज दे आर मैनी, इफ सो और सो बट बिकॉज, बट इधर हमें दो ही दे रखे हैं। इन दो में से आपके पास चॉइस है कि किस सेंटेंस में कौन सा आएगा। नाउ आपको इतना ही करना है, आपको ये सेंटेंस, ये जो कंजंक्शन है, ये आप उसमें ही कर सकते हो। हम सी का फर्स्ट करेंगे, आर्थर विल बी स्टेइंग बैक आफ्टर स्कूल, ही हैज फुटबॉल प्रैक्टिस। आर्थर जो है स्कूल में छुट्टी होने के बाद भी स्कूल में रुकेगा क्योंकि उसकी फुटबॉल प्रैक्टिस है। क्योंकि हम यूज कर रहे हैं, सो वी विल राइट बिकॉज। आप स्कूल के बाद में क्या करेंगे, स्कूल के बाद में बिकॉज लिखेंगे, स्कूल के बाद में आप बिकॉज लिखेंगे। आप ऐसे करते हैं, आपके पास एक डॉट लिखी हुई है, उसके बाद आपको लिखना है डी। आप यहाँ पे ऐसे एरो बना देंगे और यहाँ लिखेंगे बिकॉज। ओके चिल्ड्रन, नाउ फर्स्ट में आएगा बिकॉज, मैं इसको अंडरलाइन कर देती हूँ। आप इसमें ऐसा सेंटेंस ऐसे लिख देना, ऐसे। ओके चिल्ड्रन, नाउ सेकेंड इज, आई विल डू वेल इन माई एग्जाम इफ आई स्टडी आर, अगर मैं अच्छा पढ़ा तो मैं मेरे एग्जाम से बहुत अच्छा करूंगा। तो इन सेकेंड इफ विल कम, आपको क्या करना है, एग्जामिनेशन। के बाद में आपको इफ लगाना है, चिल्ड्रन जहां फुल स्टॉप है उसके बाद में आपको यस लिखना है। आपको ऐसे एरो लगानी है और फिर ऊपर वो वर्ड लिखना है।
देन यू हैव टू राइट हम थर्ड पे हैं आई एम गोइंग आउट टू प्ले आई हैव फिनिश्ड माय ऑल माय वर्क मैं बाहर खेलने जा रहा हूँ क्योंकि मैंने मेरा सारा काम फिनिश कर दिया है तो क्योंकि है तो अब क्या आएगा बिकॉज नाउ फोर्थ इज आई विल गो फॉर वॉक यू कम विथ मी मैं घूमने जाऊंगा लेकिन अगर तुम आए तो क्या आएगा इफ नाउ फिफ्थ इज मैरी हैड फीवर शी हैड गॉट वेट इन द रेन मैरी को फीवर है क्योंकि वो बारिश में भीग गई थी अब क्योंकि हम निकले तो वी विल राइट बिकॉज सिक्स इज आई विल ईट राइस फॉर लंच यू सर्व इट विद करी मैं लंच में राइस खा लूंगा अगर इसको आप मेरे को करी के साथ दे देंगे अगर क्या हम लगाएंगे इफ सेवन डेज आई कांट गो आउट टू प्ले इट इज रेनिंग मैं बाहर खेलने नहीं जा सकता क्योंकि बारिश हो रही है क्योंकि तो बिकॉज विल कम एट चिल्ड्रन आपकी एक कंडीशन है इसमें हम इफ पहले लगाएंगे इसमें हम इफ बाद में नहीं लगा सकते क्योंकि देखो सेंटेंस है इफ यू वॉन्ट टू बाय स्टेशनरी कम विथ इन्होंने लिखा है आपको स्टेशनरी खरीदनी है तो मेरे साथ आ जाओ तो हम क्या करेंगे अगर आपको स्टेशनरी खरीदनी है तो मेरे साथ आ जाओ तभी ऐसे बोलते हैं ना तो इसमें आपको सबसे पहले इफ लिखना है सेंटेंस की स्टार्टिंग Want to buy station. Now, come to spelling exercise. Page number 63. साइज में आएंगे आपको चिल्ड्रन सिक्स स्पेलिंग्स दी हुई है पहला इन्होंने हमको करके दे रखा है यही थ्री वर्ड्स है इनसे अगर हम इनको आगे पीछे कर देते हैं तो दूसरा वर्ड बन जाता है जैसे इन्होंने हमें करके दे रखा है पैन जिसमें हम सब्जी वब्जी कुछ बनाते हैं इस टाइप का फ्राइंग पैन होता है और उसका इन्होंने कर दिया नैप NAP नैप मतलब एक नींद लेना हल्की नींद थोड़ी सी देर के लिए नींद लेना तो हम सेकंड से करेंगे पहले नंबर में करके दे रखा है सेकंड है लीड इसका आएगा डील थर्ड इज रीड रीड का हम डियर भी कर सकते हैं चिल्ड्रन फिर है टी टी का हम एड कर सकते हैं फिफ्थ इज डाइस डाइस का हम कर सकते हैं आइस्ड एंड लास्ट सिक्स है टूल्स इसका बहुत इजी है स्टूल आप देखा चिल्ड्रन आपने सेम वर्ड है वो ही अल्फाबेट्स है बस उनको हमने रीअरेंज कर दिया हमने वापस उनको आगे पीछे कर दिया तो हमारे न्यू वर्ड्स फॉर्म हो गए नाउ एक्सरसाइज चिल्ड्रन एक नीचे पंक्चुएशन एक्सरसाइज है दैट आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पंक्चुएशन होती है चिल्ड्रन जहां पे फुल स्टॉप आता है वहां फुल स्टॉप लगाना जहां कॉमा आता है वहां कॉमा लगाना जहां कैपिटल लेटर आता है वहां कैपिटल लेटर लिखना नाउ स्टार्ट सबसे पहले उन्होंने आई लिख रखा है तो स्मॉल लिख रखा है सो आई विल कम कैपिटल आई वेंट टू मॉल विद माई पेरेंट्स एंड माई फ्रेंड मयंक अब नाम दे रखा है तो मयंक किससे आएगा कैपिटल लेटर से एंड बॉट टू शर्ट्स अ पेयर ऑफ स्नीकर्स शूज अ बुक बाय रोहर डार अब नाम है तो इधर भी हम जो है कैपिटल लेटर से करेंगे सेकंड इन सबके बीच में कॉमा आएगा मैं आपको इसकी पिक सेंड कर दूंगी चिल्ड्रन तो आपको और अच्छे से क्लैरिफाई हो जाएगा
Now come to page number 65. पेज 65 पे आपको इधर माय वर्ड बैंक नाम से नीचे एक दिया हुआ है कॉलम, इसमें इन्होंने हमें 6 वर्ड्स दिए हैं, इनके हमें सिनोनिम इस स्टोरी में से लेने हैं। सिनोनिम होते हैं पर्यायवाची शब्द, मतलब इनका उनका मीनिंग सेम होना चाहिए, सेम मीनिंग के वर्ड्स हमें इस स्टोरी में दिए हुए हैं। इस स्टोरी से हमें वो वाले वर्ड्स इसमें लिखने हैं। तो फर्स्ट हमारा है स्मॉल, है जो स्मॉल का आएगा लिटल, ये सारे हमें वर्ड इसमें दिए हुए हैं चिल्ड्रन। सेकेंड इज डाई, मरना, पेरिश, ये सब सिनोनिम्स है चिल्ड्रन, यानी कि पर्यायवाची शब्द है। देन इट इज रिप्ट, रिप्ट मतलब फाड़ देना, अलग कर देना, तो टॉर्न भी कर सकते हो आप। फोर्थ इज सिली, सिली का फुलिश। अब नाउ चिल्ड्रन सी, ये सारे वर्ड हमें दिए हुए स्टोरी में, हमने स्टोरी से ही वर्ड दिए हैं। फिफ्थ इज प्रिकली, प्रिकली मतलब कुछ तीखा, चुभने वाला। कमजोर, विबल। बहुत धीमे आवाज आ रही थी, कमजोर आवाज। तो दिस नाउ आर दिस लेसन इज कंप्लीट। यू हैव टू डू ऑल दिस बुक एक्सरसाइज इन बुक। ओके चिल्ड्रन, इफ एनी क्वेरी और एनी डिफिकल्टी यू कैन आस्क मी। एंड चिल्ड्रन प्लीज अटेंड योर लाइव क्लासेस। आप अपनी लाइव क्लास नहीं अटेंड करते, बहुत लिमिटेड बच्चे हैं जो अटेंड कर रहे हैं। ओके चिल्ड्रन, सो अगेन आई एम सेइंग प्लीज अटेंड योर लाइव क्लास एंड डू सेंड योर होमवर्क टू मी रेगुलर। ओके चिल्ड्रन, बाय फॉर टुडे, थैंक यू।